हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रवि शर्मा और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल कुकिंग कंपनी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सरल तरीके से केक की रेसिपी, जिसको हम बिना ही ओवन के बनाएंगे। और इस केक को हम पार्ले जी बिस्किट से बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पार्ले जी बिस्किट से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके लिए हमको लेना है एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट। मैं यहाँ पे 10 रुपये वाला पैकेट ले रहा हूँ। मैंने बिस्किट यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। अब इन सारे बिस्किट्स को हमको मिक्सी के एक जार में डालना है और इसका हमको पाउडर बना लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मिक्सी में सारे बिस्किट डाल लिए हैं और मैंने इसका पाउडर बना लिया है सारे बिस्किट्स का। इसी प्रकार से आपको भी इसका पाउडर बना लेना है। हमको लेना है एक बड़ा बाउल और उसमें जो हमने बिस्किट का पाउडर बनाया था मिक्सी में, उसको ऐड करना है बाउल में। इसमें ऐड करना है हमको पिसी शक्कर। अगर आपके घर में पिसी शक्कर है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने नॉर्मल शक्कर को मिक्सी में पीस सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1/2 कप शक्कर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर को घटा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस और कोकोआ पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें ऐड करना है हमको दूध। दूध यहाँ पर आपको रूम टेम्परेचर वाला ही लेना है और थोड़ा दूध डाल के फिर इसको मिलाना है। एक साथ सारा दूध नहीं डालना है इसमें। इसमें पहले थोड़ा दूध डालना है, फिर इसको मिलाना है, फिर थोड़ा दूध डालना है, इसी प्रकार से जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसको साथ के साथ मिलाते रहना है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी इसी प्रकार से रहेगी। आपको भी इसी प्रकार से रखना है। मैंने इसमें ऐड किया है लगभग 1/2 गिलास दूध और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 3 से 4 इलायची पिसी हुई और इस बैटर को मिक्स कर दे रहा हूँ इसमें। आपको भी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी हमारी इसी प्रकार की रहे। अब हमको लेना है केक पैन। मैंने यहाँ पर टिन वाला केक पैन लिया है और इसके चारों तरफ हमको घी ऐड कर लेना है। इसी प्रकार से हमको घी लगा लेना है। जैसे ही हमारा घी इसमें लग जाता है चारों तरफ, हमको इसमें हल्का हल्का मैदा भी लगा लेना है, जिससे हमारा केक ठंडा होके आसानी से पैन केक से निकल आए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, मैदा हमको पूरे चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है। हमको हमारा केक पैन जल्दी से रेडी करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जो हमने अपना बैटर तैयार किया है उसको तुरंत ही इसमें डाल देना है बिना किसी देरी के, नहीं तो हमारा केक अच्छे से नहीं बनेगा। बैटर हमने पूरे डाल दिए हमारे पैन केक में। अब इसके ऊपर हम थोड़े से ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पे बादाम, पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश ऐड कर रहा हूँ। आपको भी इसी प्रकार से अपने ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल देने हैं। अब हमको लेना है कढ़ाई, उसमें डालना है नमक और इस कढ़ाई को हमको 5 से 7 मिनट तक प्री हीट कर लेना है, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूँ। और इसमें हमको लगाना है स्टैंड। आपके यहाँ जो भी अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। आप चाहें तो कटोरी भी रख सकते हैं। और उसके ऊपर हमको रखना है हमारा केक वाला पैन और इस कढ़ाई को ढककर लगभग 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम तक छोड़ देना है। फ्रेंड्स, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा केक भी बन चुका है। इसको और अच्छे से अपन चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दिखने में कितना सुंदर लग रहा है केक। लग ही नहीं रहा है कि हमारा पार्ले जी बिस्किट का केक है। और देखिए बिल्कुल अंदर से भी हमारा बहुत अच्छी तरह से केक पक चुका है, बिल्कुल हमारा केक नहीं चिपक रहा है और ये हमारा केक बनकर रेडी है। बनने के बाद इस केक को आप लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही हमारा केक ठंडा होता है, इसको साइड से चाकू की सहायता से इसको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से
चारों तरफ से हमको केक को इस प्रकार से निकाल लेना है। और देख सकते हैं आप कितना इजी तरीके से हमारा केक हमारे पैन से निकल चुका है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा केक बनकर एकदम रेडी है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर केक बना है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये पार्ले जी बिस्किट से बना हुआ केक है। मार्केट जैसा ही बिल्कुल केक लग रहा है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से केक बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही कम समय में केक बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं, बहुत पसंद आएगा उनको। ये खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है केक। मैं इसको केक को आपके सामने काट कर भी दिखा देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्पंजी केक बना है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका पीस कट रहा है। देखिए देखिए दोस्तों, बिल्कुल मार्केट जैसा ही केक बना है। आप इसको ज़रूर घर पर ट्राई करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे अगली कोई भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।